हेलो स्टूडेंट, यदि आप सिर्फ इंटरमीडिएट का सेंटअप परीक्षा देने वाले 11 नवंबर को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर करके जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड जो है वो 322 है और ये आर्ट्स वाले के लिए है, ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर प्रथम दिन जो है 11 नवंबर से जो आपका परीक्षा शुरू हो रहा है, ठीक है, उसी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर चुके प्यारे बच्चों 11 नवंबर जो कि द्वितीय पाली में आपका क्या है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का परीक्षा, उसी का प्रश्न पत्र यहां पर लेकर आ चुके हैं, ठीक है। देख सकते हैं आपका समय जो रहेगा टोटल 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक जो रहेगा वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए सीधा हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तनाव जो ना शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। आपको बताना इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1970 हो जाएगा, ठीक है। 1970 के क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है। तो भारतीय जनसंघ को पूर्ण जन्म कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक, ठीक है, क्या कहा गया है कि भारत में आर्थिक सुधार किया गया, बताइएगा जो है आर्थिक सुधार जो है शुरू किया गया वो कब शुरू किया गया बाबू। तो याद रखिएगा 1991 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश का राजनीतिक दल है। तो बिल्कुल याद रखिएगा चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो सभी को पता होगा संविधान जो लिखे थे, निर्माण जो किए थे वो कौन किए थे बाबू। तो याद रखिएगा संविधान का निर्माण जो है ना किसने किया, तो बिल्कुल याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान किस तिथि को जो ना अंगीकार किया गया। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है बाबू। तो याद रखिएगा 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 8 का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद जो है 21 में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, बताना आपको भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है बाबू। तो याद रखिएगा यानी कि संसदीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया चुनाव आयोग किस प्रकार का संस्था बाबू। तो चुनाव आयोग जो है ना एक संवैधानिक जो है ना प्रकार का संस्था है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद का 61 पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो यानी कि स्पीकर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का विधायक धन विधेयक का प्रधान है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल याद रखना 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 550 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिशात्मक व्यवस्थापिका किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है बाबू। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्याय का पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो बिल्कुल 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम कानून जो अधिकारी जो है ना वो कौन है? तो याद रखेंगे आप लोग महान्यवादी हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो भी इसका जो राइट आंसर होगा ब्रिटेन हो जाएगा बाबू, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कहाँ से इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ से आप लोग देख पाएंगे बिल्कुल 100% एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र का। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तो अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर गूगल खोल कर आ जाएगा। गूगल में आपको क्या टाइप करना है, इस तरह का गूगल रहेगा, यहाँ पर सर्च करना आपको justwelleducation.in आपको सर्च कर देना, ठीक है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा justwelleducation.in, लास्ट में क्या लगाना है .in लगाना है इस तरह का, ठीक है। justwelleducation.in लगाते तो इस तरह का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। देखिए मैट्रिक इंटर सेंटर एग्जाम एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो यहाँ से आकर डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा रहेगा मैट्रिक सेंटर परीक्षा और ट्वेल्थ का, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंटर ट्वेल्थ सेंटर परीक्षा 2024-25 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 11 नंबर वर्ड से परीक्षा शुरू। इसी वाला आर्टिकल पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रेड पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग रेड पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना। जैसे आप लोग और नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप ट्वेल्थ में अगर आपका वाई वन साइंस स्ट्रीम से और क्लास टेंथ का अगर परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो ये खास ऑफर मात्र जो है ना मात्र 199 रुपये लिया जा रहा है, पर देख सकते हैं इस पे आपको कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको देखिए नीचे आएंगे देखिए फिजिक्स का है, इसी तरह से आपको पॉलिटिकल साइंस का भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री, देखिए आपको जैसे आप लोग नीचे और आते हैं देखिए आप सबसे पहले आपको नीचे और जाना है व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, इस व्हाट्सअप ग्रुप का आपको क्या करना है फ्री व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग आप यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस दिखेगा, इस वाले लिंक पर आपको क्या कर देना है क्लिक कर देना बाबू। जैसे आप लोग इस लिंक पर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका सारा सब्जेक्ट खुलकर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आइए फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से क्लिक करके। चलिए हम सीधा हम लोग अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंरचनात्मक कहा है? तो बिल्कुल एक इसका जो राइट आंसर होगा केसी हियर ने कहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 74वां यानी कि 74वां में ये संशोधन किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा गया? तो बिल्कुल 23 का जो राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को कहा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के मूल यानी कि संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केशव नंद भारती मुकदमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 42वां यानी कि संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो इंदिरा गांधी के काल में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि के शासन प्रतिपादन किसने किया? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डाइसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम समाजवादी मुख्यमंत्री कौन थे? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ECM जो है ना नमुंदी पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग किस प्रकार का संस्था थी? योजना आयोग जो है ना किस प्रकार का संस्था थी? तो ये गैर संवैधानिक संस्था थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? तो 32 का जो राइट आंसर है अनुच्छेद 360वां में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का समाप्त कर दिया जाए? तो बिल्कुल 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिक किस देश में लिया गया, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जर्मनी में लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में अखिल संविधान है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ह्यूम हो जाएगा, एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पंडित हृदय नाथ है जो ना कुंजरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मैन के संविधान में किस भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हिंदी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, योजना आयोग का स्थापना का अगर बात किया जाए तो आपका 1950 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में भारत आक्रमण पर जो ना पंचशील का उल्लेखन किया, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन थी बाबू, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यानी कि बेसेंट थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर 41 क्वेश्चन बता दिया, अगर 41 क्वेश्चन को पूरा तरह से आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख कर जाते हैं, तो आपका परीक्षा में 100% आपको लड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और कहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड करना सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग देख लिए होंगे। क्या सर्च करना है तो आपको justableeducation.in, ठीक है, क्या सर्च करना प्यारे बच्चों, justableeducation.in आपको सर्च करना है और वहां से पेपर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के।